वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल बटर पनीर की रेसिपी लाई हूँ, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बनाने में बहुत आसान है। आप इसे घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। और आपको कैसा लगा रेसिपी प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से इसकी हम रेसिपी देख लेते हैं। तो बटर पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया है, जिसमें मैं एक चम्मच तेल डालूंगी। आप चाहे तो बटर या घी भी डाल सकते हैं। इसमें मैं 7-8 काजू डालूंगी। काजू डालने से बटर पनीर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये काजू हमारा हल्का सा फ्राई हो गया। अब इसमें मैं 2 बड़े प्याज ली हूँ, जिसे मैं रफली काट ली, उसको भी इसमें फ्राई करूंगी। यहाँ पे साथ में मैं 4 लाल मिर्च डाल रही हूँ। यहाँ पे आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है, तो फिलहाल मेरे पास नहीं है तो मैंने ऐसे खड़े लाल मिर्च डाल दी हूँ। अब इसे भी हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। देखिए काजू और प्याज हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं 4 टमाटर डाली हूँ, रफली काट लिया है, उसको डालूंगी। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और टमाटर भी अच्छे से गल जाए। मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है। इसे अब धीमी आंच में उसको पकाएंगे हम, जब तक टमाटर अच्छी तरह लतपता जैसा ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा ये टमाटर भी गल गया है और प्याज और काजू भी फ्राई हो गया। अब ये सब ठंडा करेंगे, ठंडा करने पर इसका पेस्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने फ्राई किया था अब ठंडा हो गया है। अब इसको मैं ग्राइंडर के जार में डालूंगी, उसके बाद इसका हम पेस्ट बना लेंगे। फाइन पेस्ट बनाना है, एकदम फाइन पेस्ट करके फिर इसके हम सब्जी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है, एकदम फाइन पेस्ट किया है मैंने। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम कर ली। यहाँ पे मैं बटर डाल दी हूँ, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। एक बड़ा सा पीस बटर डालिए जिसको हम मेल्ट कर लेंगे। तो हमारा बटर मेल्ट हो गया था। यहाँ पे मैं गरम मसाला डाल रही हूँ यहाँ पे लौंग, इलायची, काली मिर्च और दालचीनी है। इन सबको डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें मैं 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालूंगी और इनको मैं हल्का सा फ्राई कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अब मसाला हमारा हल्का सा फ्राई हो गया है। अब मैं जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें अब डाल देंगे। तो ये पेस्ट में मैंने 1/2 ग्लास, जो हम नॉर्मल ग्लास में पानी पीते हैं वो ग्लास का 1/2 ग्लास पानी डाला था। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के मैंने कि एक साथ पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा कि वो पेस्ट सही से हो रहा है, यानी ड्राई हो जा रहा है। तो आप इसमें 1/2 ग्लास के बराबर पानी डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ पे मैं जितने ग्राइंडर में पेस्ट चिपका हुआ है तो सब मैं इसमें डाल दे रही हूँ। फ्रेंड्स, हमने मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसे हम धीमी आंच में फ्राई करेंगे जब तक ये इसका कलर चेंज ना हो जाए और तेल अलग ना हो जाए। इसे हम थोड़ी देर के लिए वैसे ही धीमी आंच में छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना भूल गई कि इसमें मैंने कस्तूरी मेथी डालना है। कस्तूरी मेथी जब आप मसाला डालिए तभी डाल दीजिएगा, मैं यहाँ पे भूल गई। अभी मैं इसमें कस्तूरी मेथी डाली। कस्तूरी मेथी डालने से इसकी बहुत अच्छा सा स्मेल आता है। तो इतना सा कस्तूरी मेथी डालेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा ग्रेवी अच्छी तरह फ्राई हो गया, ऐसा कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसमें घर की मलाई डाल रहे हैं, आप चाहे तो क्रीम भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे घर की मलाई डाल रही हूँ, आपके पास क्रीम हो तो क्रीम भी डाल सकते हैं।
घर की मलाई डाल, ये क्रीम या मलाई डालने से ना थोड़ा ये बटरी जैसा फ्लेवर आता है, इसलिए मैं इसमें डाल दूंगी। और साथ में है यहाँ पे मिल्क मेड डालूंगी, यहाँ पे मैं एक बड़ा चम्मच मिल्क मेड डाल रही हूँ। मिल्क मेड डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ग्रेवी तैयार हो गया, अब मैं इसमें पनीर डालूंगी। तो यहाँ पे मैं कुछ पनीर के पीसेस करके रखी थी वो डालूंगी। ये छोटे बड़े आपकी मर्जी के हिसाब से आप पीसेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी सब्जी अभी बन के तैयार हो गई है, अब मैं इसमें बटर डालूंगी ऊपर से ताकि इसका टेस्ट और अच्छा है। तो फ्रेंड्स इस तरह की रेसिपीज के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर जरूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई है, अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए, तब तक के लिए बाय।